हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग में जो डिजिटल वेलबिंग होता है उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरो और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में, और यहाँ जाना है गैलेक्सी स्टोर में। यहाँ जाने के बाद आपको थ्री डॉट्स पे जाना है और अपडेट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपडेट्स में जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा कि एक नया अपडेट आया है जो कि डिजिटल वेलबिंग का। आप देखेंगे यहाँ पर ये अपडेट को रोल आउट कर दिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे कब रोल आउट हुआ है इस अपडेट को। इस अपडेट को 23 मई 2022 को रोल आउट किया गया। मतलब कि जैसे ही मैंने बताया, पहले भी बता चुका हूँ कि जो रोल आउट होते हैं अपडेट्स में, ये धीरे धीरे डिवाइस बाइज सबको आते हैं। मेरे को आज ही के दिन आया है, और जो कि है 12.70 MB का ये अपडेट है। तो इसको कर लेते हैं अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फाइनली हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं आपको ले जाता हूँ वहाँ सेटिंग में, और आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, एक ऑप्शन को या फिर एक फीचर को यहाँ पर अलॉट किया गया है जिसका नाम है सपोर्ट वाइड स्क्रीन व्यू। मतलब कि वाइड स्क्रीन व्यू मतलब होता क्या, वाइड स्क्रीन मतलब व्यू ये होता है कि जो उसका रेशियो है, अगर आप उस ऐप में जाएंगे उसके रेशियो को इंक्रीज कर दिया गया है ताकि उसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाए। मतलब कि ऐप की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया गया है, उसकी जो विजिबल है उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है। ये यहाँ पर एक फीचर को एड ऑन किया गया है। और मैं हमेशा एक वीडियो में बताता हूँ, जब भी कोई नया अपडेट आता है उसके अंदर बग्स फिक्स किए जाते हैं और कोई भी इनहांस फीचर को वहां पर जोड़ दिया जाता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर उसकी डिजिटल वेलबिंग में। तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिजिटल वेलबिंग का। अगर आपको नहीं पता डिजिटल वेलबिंग होता कैसे और कैसे उसको यूज करते हैं, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और आपको यहाँ पर कुछ स्टेप मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे पहला जो चेंजेस लगा है उस अपडेट के बाद मुझे, वो ये है। जो यहाँ पर आप देखेंगे डिजिटल वेलबिंग के नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है या फिर एक चीज लिखी हुई दिख रही है, स्क्रीन टाइम। वो मेरे पहले वाले वर्जन पे मुझे नहीं मिलता था, नीचे जरूर दिखता था योर कॉल और ये नीचे वे टू डिस्कनेक्ट, ये वाला ऑप्शन वहां पर नहीं आता था। ये अभी यहां पर एड ऑन किया गया है, और जो स्क्रीन है वो भी थोड़ी इंप्रूव यहां पर कर दी गई है, जैसा कि उन्होंने लिखा है वाइड स्क्रीन व्यू को यहां पर इंक्रीज कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस ऐप में होता क्या है, इस ऐप में यह होता है कि आप देख सकते हैं कि आप अपने अपने मोबाइल में कौन सी ऐप पे, कौन सी चीज पे सबसे ज्यादा आप अपना यूज टाइम यूज कर रहे हैं, या फिर टाइम आप सबसे ज्यादा अपना वेस्ट कर रहे हैं, या फिर वहां पर उस ऐप में आप सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो लाइक आप देखेंगे यहां पर मैं इंस्टाग्राम पे 29 मिनट दे चुका हूं आज की डेट में, और सैमसंग इंटरनेट ऐप में यहां पर इतना टाइम, यह आपको पूरा चीजें दिख जाएगी। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि आपने कितने बज के कितने मिनट में क्या क्या चीज़ यूज़ करी है, और ये आपने कौन कौन सी नोटिफिकेशन रिसीव करी है इंस्टाग्राम के अंदर, और ये आपको पूरी रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगी, कितनी बार आपने इसको ओपन करा, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर ये दे देगा। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे वीकली में तो पूरी वीकली रिपोर्ट भी बता देगा कि भैया आपने मंडे को ट्यूजडे को क्या करा था, मंडे को क्या करा था। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक एक करके वो बता देगा। और भी अगर आप जाएंगे डेटा, मैं अब इसको डिलीट कर चुका हूँ तो मेरे पास डेटा पुराना आ नहीं रहा, तो जितना भी पुराना होगा आपको सारा डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। एक चीज तो ये होगी, ऐसे अगर आप दूसरे पे जाएंगे तो दूसरे की ब्रीफिंग मिल जाएगी सैमसंग इंटरनेट की, और अगर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको और भी एप्स मिल जाएंगी जो कि आप यूज करते हैं। आपको टाइम वाइज मिल जाएगी कितना टाइम आपने कौन सी ऐप को यहाँ पर यूज़ कराई, एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी, कितने नोटिफिकेशन रिसीव हुए, कौन सी ऐप की सबसे ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन रिसीव हुई, कौन सी ऐप्स की आपको दिख रहे होंगे, और भी मोल करेंगे तो और भी आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर उसके नीचे जाएंगे, कितनी बार आपने अपने मोबाइल को अनलॉक करा, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने आज के दिन 60 टाइम यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल को अनलॉक करा है, जो कि 25 लेस देने, मतलब पहले से मैंने आज कम बार लॉक करा, उसको अनलॉक करा। और अगर आप देखेंगे ट्यूजडे को मैंने 85 बार अनलॉक करा था, ऐसे ही मंडे को देखेंगे 111 टाइम मैंने अनलॉक करा था। मतलब आपको एक एक चीज़ का डेटा मिल जाएगा, भैया आप अपने मोबाइल में कर क्या रहे हो, या फिर अगर आपने अपने अपना मोबाइल किसी घर पर दे रखा है या कोई और यूज़ कर रहा है, तो आप इजीली वहां पर देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो आपको एक एक चीज का यहां पर डेटा आपको मिल जाएगा। ऐसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहां पर योर गोल सेट कर सकते हैं कि यार मैं फालतू की ऐप से यूज ना करूं, मेरा टाइम बचाऊं। लाइक मैंने यहां पर गोल सेट कर दिया, यहां गोल पे आया और मैंने स्क्रीन टाइम पे गया, और मैंने यहां पर सेट गोल करा कि भैया कि मैं यहां पर स्क्रीन टाइम सिर्फ 2 घंटे 15 मिनट या 13 मिनट ही यूज करूं, उसको मैंने डन कर दिया। तो सिर्फ वो आपको बता देगा भैया 27 मिनट बचे हैं, 27 मिनट बाद आपका गोल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको नोटिफिकेशन दे देगा भैया जो आपने टाइमर लगाया था कि सिर्फ आप 2 घंटे ही मोबाइल को यूज़ करेंगे, तो उससे ज़्यादा आप टाइम यूज़ कर चुके हैं तो आप अपने मोबाइल को बंद करो। ऐसे ही नीचे की तरफ आएंगे ऐप टाइमर, आप यहाँ पर ऐप टाइमर भी लगा सकते हैं। लाइक मैंने कर दिया यार मैं
लाइक मैंने यहाँ पर कर दिया कि यार मैं इंस्टाग्राम को या फेसबुक को, मैं इंस्टाग्राम को सिर्फ 20 मिनट ही दूंगा। तो यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर जाने के लिए ऐप टाइमर पे गया, मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो मैं यहाँ पर ऐप में टाइमर लगा सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर लगा दिया 19 मिनट या 20 मिनट का, मैंने टाइमर को यहाँ पर डन कर दिया। तो अब मैं डन कर चुका हूँ, अब बाहर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे बता देगा कि भैया आप अपने इंस्टाग्राम को आप बंद कर दीजिए और ये आपका टाइम यूज़ हो चुका है। अब जैसे ही मैं बाहर जाऊँगा तो इंस्टाग्राम की ऐप देखेंगे आप, ब्लैक कलर के आइकन में आ जाएगी और वो यूज़ नहीं होगी। आपको दिख रहा होगा ये ऐसे आपको बता रहा है, जैसे मैं यूज़ करूँगा तो आपको बता देगा ऐप टाइमर रन आउट, मतलब कि जो आपने वहाँ पर टाइमर सेट करा था वो टाइमर अब पूरा हो चुका है, अब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो मतलब ऐसा एक नॉर्मल तरीके है कि भैया हम अपना गोल सेट कर सकते हैं कि यार हम ज़्यादा ऐप फालतू की यूज़ ना करें, या कोई गेम ऐसा है कि हम उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, तो आप इस चीज़ का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको हटा भी सकते हैं और चेंज करना चाहें तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं चेंज करूंगा वो ओपन हो जाएगा और जिस पे आपने टाइमर सेट कर दिया तो वहां पर आपको देखेंगे लाइक ऐप नाम के आगे आपको दिख रहा होगा एक हर्ट बना हुआ, जो कि डिजिटल वेलबींग का आइकन आपको वहां पर दिख जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आप अपने आप को गोल सेट कर सकते हैं, ये मुझे तो बहुत पसंद है। उसके बाद फोकस मोड आएगा, या अगर आप ऑफिस में हैं तो आप यहाँ पर सेट कर लीजिए कि वर्क टाइम में कौन सी ऐप यूज करूँ, उसके अलावा सारी ऐप वहाँ पर बंद हो जाए। मतलब वर्क टाइम में बाय डिफॉल्ट तो ये ऐप आ गई है, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर लीजिए और एड ऑन करना चाहते हैं तो एड ऑन कर दीजिए। लाइक मेरे को लगा कि बस मुझे इतनी चाहिए और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब होगा क्या, अब जितनी भी फालतू की ऐप होंगी सब यहाँ पर आप देखेंगे जो कि वर्क मोड में नहीं थी वो सब आपको ग्रे कलर में दिख जाएंगी, वो यूज़ नहीं होंगी, जो आपने वहाँ पर ऐड ऑन करके रखी थी सिर्फ वो ही यहाँ पर चलने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो या बोले तो आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, तो उस चीज़ के लिए आप इस ऐप का भी, इस सेटिंग का भी यूज़ कर सकते हो। और आपको हटाना हो तो यहाँ पर एंड फोकस मोड करेंगे तो वो हट जाएगा। उसके बाद ऐसे ही आएंगे मी टाइम में जाएंगे तो आप अपना एक अलग से कुछ बना सकते हैं कि मेरे टाइम पे ये वाली ऐप चल सके और बाकी सब बंद हो जाए, तो आप यहाँ पर उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। बेड टाइम मोड बहुत ही शानदार फीचर है, अगर आप बेड टाइम मोड पे हैं तो आप चाहते हैं कि यार मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर शेड्यूल लगा के रखा है कि रात को 11 के बाद ऑटोमेटिक मेरा बेड टाइम मोड में चले जाए, उसमें होता क्या है सब कुछ बंद हो जाता है, ग्रे स्क्रोल हो जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, तो बहुत शानदार ये फीचर है। आपको इसमें जाना है टर्न ऑन पे और यहाँ पर लाइक मैंने शेड्यूल कर दिया रात में, लाइक मैं अभी मान लो अभी 7-8 बज रहा है तो मैं आपको अभी ऑन करके दिखाता हूँ। लाइक मैंने 8 बजे का यहाँ पर लगा दिया, मैंने इसको डन कर दिया तो आप देखेंगे आप मेरे मोबाइल की पूरी स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है, आप देख रहे होंगे ब्लैक हो चुका है, और नीचे की तरफ करेंगे तो आपको बता देगा बेड टाइम मोड इज इनेबल, आपको दिख रहा होगा और सब कुछ यहाँ पर ब्लैक ब्लैक हो गया होगा, तो ये होता है। और साथ में डू नॉट डिस्टर्ब भी आपका ऑन हो गया होगा, मैंने इसको सेट करा टाइम के हिसाब से, ऑटोमेटिक सुबह 7 बजे वो हट जाएगा सकते हैं। तो दोस्तों यही नया अपडेट था, अपडेट तो मैंने आपको खाली नॉर्मल प्रीव्यू बता दिया, अपडेट में तो खाली जो मुझे लगा एक थोड़ा सा उसका रेशियो चेंज हुए और यहाँ पर जो स्क्रीन टाइम का जो ऑप्शन है वो पहले नहीं आता था, अब आपको यहाँ पर दिखने लगा है। यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे तो अपनी वीकली रिपोर्ट देख सकते हैं और यहाँ पर सर्च करना चाहें तो कुछ सर्च भी कर सकते हैं, और यहाँ 3 डॉट्स में जाएंगे सेटिंग्स में जाएंगे तो अगर आपको इसकी ऐप आपको स्क्रीन पे चाहिए तो स्क्रीन पे भी ले सकते हैं। दोस्तों यही अपडेट था और ये कुछ मैंने आपको डिजिटल वेलबींग के फीचर्स बताए, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, अगर आपको लगता है मेरी कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे रिलेटेड कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को 98% लोग तो ऐसे हैं जो मेरे चैनल को देख तो रहे हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को। तो भाइयों और दोस्तों भैया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं सैमसंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ और बनाता भी हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ गलतियाँ हैं या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा और उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।